नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। चाहो तो टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो या दोस्तों, दोबारा से आज मैं बात करने वाला हूँ जेटीएल उल्ट्रा शेयर के बारे में। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, इस स्टॉक में 10 करोड़ शेयर्स, या दोस्तों 10 करोड़ शेयर्स आईडीबीआई ट्रस्टी ने बेच दिए हैं। तो यार दोस्तों, काफी आप इसको एज अ बैड खबर लो या एक गुड खबर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने तो बेच दिया अपने 10 करोड़ शेयर्स और स्टॉक में कुछ फर्क नहीं पड़ा, यानी का मतलब स्टॉक अपर सर्किट में क्लोज हो गया दोबारा से। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपके पास स्टॉक जेटीएल उल्ट्रा, जो आपने बहुत सस्ते दामों में लिया होगा, अगर तो यार प्रॉफिट बुकिंग तो ठीक है, अगर आपने कर लिया है, 1x आपने बुक कर लिया है, तो आप स्टॉक को होल्ड करके रखो। लेकिन अगर आपने स्टॉक को हाल फिलहाल के दिनों में बाय किया, तो मैं ये बोलूंगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो बस स्टॉक में और एग्जिट मारो। यही मेरा व्यू रहेगा, स्टॉक में और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको फुल स्टोरी दिखाया था। देखो ये रहा, ये ऑलमोस्ट कब की डेट है आपकी, ये 13 जनवरी की बात है। ठीक है, आईडीबीआई ट्रस्टी सर्विसेज डम्प्ड मोर देन, देखो आप खुद देख सकते हो, बल्क डील हुई है, सोल्ड 10 करोड़ शेयर्स ऑफ जेटीएल इंफ्रा एनएससी बीएससी में, वो भी 2 रुपए के प्राइस के आसपास। ठीक है, और साथ में 18 रुपए का जो शेयर है उसमें, जेटीएल जो है बीएससी में जो 18 रुपए का शेयर है उसमें 36 लाख शेयर उन्होंने बेचे हैं। तो दोस्तों काफी बड़ी खबर इसको मान के चल सकता हूँ, अगर इतने बड़े लोग स्टॉक से एग्जिट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना यार। ठीक है, उनको जो चीजें नजर आ रही है, क्या पता हमें वो चीजें नजर नहीं आ रही हो। तो इसमें भी देखो, इन्होंने बेचा और स्टॉक आज ऊपर गया, तो मतलब बेच रहे स्टॉक ऊपर जा रहा है। और देखो एक तो ध्यान देना, ये जो इन्होंने बेचा है, जो इन्होंने बेचा है, ये पैटर्न है, राइट। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट पैटर्न काम करते हैं, ये ऊपर गया नीचे आया, देखो ये रेंज बना लिया, दोबारा नीचे गिर रहा है, तो इसको बोलते हैं पैटर्न। ठीक है, पैटर्न क्या होता है, ये जो हाइज है ये तोड़े नहीं है, और हाइज तोड़ने से पहले उन्होंने बेच दिया है, इसका मतलब ये संकेत नेगेटिव है, समझ आ गया। इसको अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज की भाषा में बोलूं तो ये संकेत मेरे लिए अच्छे नहीं है, अगर मेरे पास स्टॉक है। ठीक है, जेटीएल उल्ट्रा की बात करते हैं, देखो ये भी सेम पैटर्न बना रहा है, इसने हाई बनाया, हाई बनेगा रेंज बनाई, और रेंज बनेगा देखो यहाँ एकदम हाई में उन्होंने बेचा है, ये स्टॉक ऊपर यहाँ जा सकता है 3 रुपए तक, नो डाउट जा सकता है अगर आपके पास है, अगर आपको लगता है। ठीक है, मैं अपना व्यू शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पर्सनली स्टॉक की क्वांटिटी 1 रुपए की नहीं है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो सुनो आप। ठीक है, तो ये जो चीज है, यहाँ इन्होंने बेचा है, तो ये जब तक अपना हाई नहीं तोड़ देता स्टॉक में बड़ी तेजी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ स्टॉक को एक्युमुलेट किया है, तो मैं यही बोलूंगा प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम कर लेना। कहने का मतलब क्या होता है कि स्टॉक अपर सर्किट में जाएगा, लोअर सर्किट में आएगा, और आपको 101% मौका देगा एग्जिट मारने का। लेकिन अब उस समय क्या उसको आप देख पाओगे कि ये एग्जिट मारने का समय है, अब मर्जी आपकी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पैनी स्टॉक को सोच समझ के पैसा डाला करो, अगर पैसा डालना है तो सस्ते में डाला करो, 70-80 पैसे 1 रुपए के आसपास, ऐसे प्राइस में तभी पैसा मल्टीप्लाई होता है। जब इतने बड़े लोग स्टॉक से एग्जिट मारते हैं तो डेफिनेटली यार हम सोचना पड़ जाता है कभी कभी कि स्टॉक को बाय करूँ या नहीं करूँ। बाकी देखो मैं आपको सिंपल सी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ठीक है, मैं भी इसको फॉलो करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए कि पैनी स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। देखो जब ये टी बने, ये जब ये टी बार बने, समझ जाओ स्टॉक में हैंड स्विच किए गए हैं, और जब भी हैंड स्विच होते हैं स्टॉक में ये अपर सर्किट लगते हैं। ठीक है, और ये जब भी 3 बन जाए गेम खत्म। ठीक है, देखो एक ये बना बाय, उसके बाद अपर सर्किट ये नीचे आ गया। ठीक है, देखो ये दोबारा बन रहा है, तो यहाँ दोबारा टी बनना, इसका मतलब क्या है, अब समझ जाओ। मैं आपको सारा दे सकता हूँ, हिंट दे सकता हूँ, बाकी आपकी इच्छा। जब भी टी बने समझ जाओ यहाँ पर हैंड स्विच किए गए, मतलब आपको माल दिया गया है कि भैया बाय कर लो, आपको माल दिया जा रहा है। देखो यहाँ माल दिया जा रहा है, यहाँ पर माल दिया आपको, यहाँ माल दिया आपको, लगातार 2 दिन से आपको माल दिया जा रहा है, और ये माल देने के बाद दोबारा अपर सर्किट में स्टॉक जाता है जो देखा गया पास्ट में, उसके बाद ये नीचे गिरता है। ठीक है, तो बाकी आप लोगों की इच्छा, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से भाई इतने बड़े व्यक्ति ने अगर बेचे हैं तो कुछ सोच समझ के बेचे होंगे, तो आप भी एक बार खुद की रिसर्च ऐड कर लेना। ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपए का माल खाली किया उन्होंने, 20 करोड़, ये 10 करोड़ शेयर का मल्टीप्लाई कर लो 2 रुपए से, तो 20 करोड़ रुपए कम नहीं होते भाई। उसमें उन्होंने 20 करोड़ शेयर इसमें बाय करके रखे थे, 20 करोड़, आई मीन 10-20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी उनकी। ठीक है, हो सकता है उन्होंने यहाँ कहीं बाय किया हो, यहाँ सब कहीं इसको एक्यूमुलेट किया हो सकता है। ठीक है, बहुत सी चीजें स्टॉक मार्केट में आपके सामने नहीं लाई जाती है, ये आपको पता है। बाकी अगर बात करें तो आज काम कैसा हो रहा है स्टॉक में, तो देख लेते हैं दोनों स्टॉक्स में कि कैसा काम हो रहा है। एनएससी में
तो पहले मैं जीटेल इंफ्रा की बात करता हूँ, फिर जीटेल की बात कर लेंगे। तो देखो मार्केट अभी चल रही है, यहाँ पर टेक्निकल इसका शो नहीं कर रहा है और इसका इसका शो कर रहा है। देखो यहाँ पर 37 लाख शेयर लोग अभी भी घर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका जीटीएल का हो गया। बात करते हैं जीटीएल इंफ्रा की, तो इसमें बीएससी का देख लेते डेटा। तो बीएससी में क्या दिखा रहा है, बीएससी में आपका दिखा रहा है, ओहो देखो 16 करोड़ शेयर लोग घर लेके गए। 16 करोड़ 58 लाख यार, नंबर देखो यार नंबर, मैं खुद हैरान हूँ। 16 करोड़ शेयर्स भाई साहब, ऐसे ऐसा लग रहा है कि हलवा बट रहा है इसमें। ठीक है, तो बाकी आप लोग समझदार हो, आपको हिंट दे रहा हूँ, जब भी टी बनता है समझ जाओ हैंड स्विच किया गया है, तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी रिस्की हो सकती है, तो सोच समझ के करना जो आपको करना है। तो एक छोटा अपडेट था जीटी इंफ्रा के बारे में। अपडेट अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।